गढ़रवारा जगदीशवाड़ के प्रदीप चौहान के पुत्र पृथ्वीराज चौहान ने जीईई एडवांस परीक्षा में सफलता अर्जित की है। ऑल इंडिया रैंक ओबीसी 3453 में उल्लेखनीय सफलता हासिल कर गढ़रवारा का नाम रोशन किया है। पृथ्वीराज का कहना है कि मैं एक आईआरटी में एडमिशन लूंगा, भविष्य में स्वयं का स्टार्टअप चालू करना चाहूँगा। मेरी सफलता में माता पिता और छोटे भाई का बड़ा योगदान है। मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनको इसका श्रेय देना चाहूँगा। माँ कृष्णा चौहान जो एक टीचर हैं, उन्होंने कहा, मेरे बच्चे ने जो सफलता हासिल की है, मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पिता प्रदीप चौहान ने कहा, रिजल्ट आने वाला था, रात को नींद नहीं आई। जैसे कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, जैसे ही रिजल्ट आया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे बेटे ने जीवन का लक्ष्य पा लिया। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चा एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। आज मैं मेरे बेटे पर गर्व महसूस कर रहा हूं। गढ़वारा नगर में और समाज में खुशी की लहर है। प्रदीप चौहान के घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गढ़वारा के जगदीश वार्ड के प्रदीप चौहान के सुपुत्र पृथ्वीराज चौहान, आपने जेईई में पढ़ाई की है तो आपका कौन सा नंबर लगा है? जेईई एडवांस की परीक्षा का आज परिणाम आया है। जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए एलिजिबल होने के लिए जेईई मेंस की परीक्षा से लोग बच्चों को गुजरना पड़ता है। जेईई मेंस की परीक्षा लगभग इस साल 9.5 लाख बच्चों ने दी, जिनमें से आईआईटी बॉम्बे ने इस बार 1.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जेईई एडवांस देने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों ने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया 28 अगस्त 2022 में, जिस एग्ज़ाम के परिणाम आज घोषित किए गए। इस एग्ज़ाम के परिणाम में आज मेरा भी परिणाम आया। मेरा रिजल्ट, मेरी सीआरएल रैंक 14,436 रही और ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 3,453 रही। आपका यह इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैंने अपनी कोचिंग कोटा में रहते हुए करी। मैं पिछले 3 सालों से कोटा में पढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं 1 साल अपने घर पे ही रहते हुए ऑनलाइन कोचिंग पढ़ी मैंने कोटा से, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। मैंने अपनी कोचिंग रिलायबल इंस्टीट्यूट से करी। रिलायबल इंस्टीट्यूट का मेरी सफलता में पूरा श्रेय है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं रोज लगभग 4 से 5 घंटे की पढ़ाई किया करता था। अच्छा, जो पढ़ाई में आप उत्तीर्ण हुए, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय सर्वप्रथम तो मैं अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को देना चाहूँगा। इसके बाद इसका श्रेय मैं उन सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा जिन्होंने बचपन से आज तक मुझे पढ़ाया है। विशेष रूप से हमारे गाढ़रवारा नगर के प्रसिद्ध शिक्षक सचिन नेमा सर, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस परीक्षा की तैयारी करने के बारे में सोच सकूं। साथ ही कोटा में मेरे फिजिक्स के टीचर, जो कि कोटा के बहुत प्रसिद्ध शिक्षक है, आदरणीय अंकुश जैन सर, जिन्हें हम AKJ सर कहकर बुलाते हैं। इसके बाद आपकी क्या तैयारी है, कहां पर आप माने एडमिशन लेंगे? इसके बाद मैं टॉप 7 IITs में से किसी एक IIT में एडमिशन लूंगा और अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। क्या सोचा भविष्य में, आप कहाँ सर्विस करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है? भविष्य में मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहूंगा या अपना खुद का एक स्टार्टअप चलाना चाहूंगा। और आपकी क्या प्लानिंग है, क्या हॉबीज हैं, क्या शौक हैं आपके? मेरी हॉबीज में क्रिकेट खेलना, गाना सुनना, बस इसी टाइप की कुछ चीजें हैं। आपकी जो दिनचर्या है, लाइफ कैसे व्यतीत करते हैं आप? दिनचर्या पिछले 3 सालों में तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी रही है कि सुबह उठकर पढ़ाई करना, कुछ समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करना, कुछ समय माता पिता के साथ व्यतीत करना, कुछ समय अपने शिक्षकों के साथ व्यतीत करना, जहां पर हम कई सवालों के हल ढूंढते थे, साथ में कई अच्छे सवाल हल करते थे, फिजिक्स के, मैथ्स के, और कभी कुछ समय मेरा गाने सुनने में जाता था और थोड़ा बहुत मैं खेलता भी था। उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई कान्हा चौहान,
अभी आप किस क्लास में हैं? मैं 8th क्लास में हूँ। आप अपना भविष्य पढ़ाई में क्या देखना चाहते हैं? मैंने अपने भाई से बहुत प्रेरणा ली है और मेरी भी अभी यही क्लासेस चल रही हैं जिस इंस्टीट्यूट से मेरे भाई पढ़े थे, और मेरा भी इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। श्रीमती कृष्णा चौहान जो कि आप टीचर हैं जी, आज आपके बेटे पृथ्वीराज चौहान ने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है, कैसा लग रहा है आपको? निश्चित ही बहुत प्रसन्नता हो रही है, और पिछली साल भी बच्चे ने जेई मेंस एडवांस दोनों क्वालिफाइड कर लिए थे। थोड़ा रैंक सुधारने के लिए इस बार उसने फिर से प्रयत्न किया और बहुत अच्छी रैंक उसने 8000 से ऊंचा लाकर 3500 मतलब 3400 रैंक प्राप्त की, तो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जब बचपन था उनका, छोटे थे जी, आपको लगता कि भविष्य में इतनी अच्छी परीक्षाओं पास होकर आप लोगों का नाम रोशन करेंगे? हाँ, शुरू से ही उसकी जो पढ़ाई के प्रति रुझान समझ में आता था तो लगता था कि ये आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, और 6वीं तक तो ये जबलपुर में पढ़ा है, लेकिन बीच में थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर हो गया था, तो हम लोग वहाँ से नाम कटाकर यहाँ ले आए थे कि शायद मम्मी पापा साथ में नहीं रह रहे इसलिए बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, और फिर यहाँ आके जो उसने अपनी प्रगति आगे बढ़ाई कि 9वीं से उसने रेजो स्टेप का एक एग्ज़ाम दिया, वो स्कूल में कंडक्ट हुआ था, तो उसमें AIR 24 आई, और फिर उसका जो रुझान है ये JEE मेंस और एडवांस की तरफ आ गया, और 11th से वो कोटा चला गया और वहाँ कोचिंग करके उसने फिर ये अपनी सफलता प्राप्त की। क्योंकि आप टीचर भी हैं जी, गाढ़ावाड़ा के बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? निश्चित ही मैं बच्चों से ये अपेक्षा करती हूँ कि वे भी सच्ची लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें, चूँकि आजकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो मैं उन बच्चों को भी अपने बच्चों के जैसे समझाती हूँ और उनसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार का, अपने नगर का और अपने देश का नाम रोशन करें। और बहुत से बच्चे कई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम निकालते भी हैं हमारे स्कूल के। अपने बेटे की इतनी बड़ी सफलता पर क्या देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे बेटे का रिजल्ट आने वाला था, कल से हम बहुत परेशान थे, 4 बजे रात तक नींद नहीं आई, बहुत उधेड़बुन में रहे, और निश्चित रूप से जो सुबह हुई, जैसे कि अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है, और करीब 10 बजे ये रिजल्ट आया, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे बेटे ने एक जीवन का लक्ष्य पा लिया। और हर माता पिता का यही उम्मीद होती है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुकाम दे, तो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, और निश्चित रूप से आगे इनका भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं श्रेय देना चाहूँगा भाई अभिषेक जी राय, जो हमारे राधारमण भैया हैं, राय समाज के हैं, वो उनके बेटे हैं, उन्होंने IIT किया था खड़गपुर से, तो उन्होंने वो समझ लो आप पृथ्वीराज चौहान के आइकॉन हैं, उन्होंने उस इसको आगे बढ़ाया और कहा कि तुम बहुत आराम से, जबकि वो विश्व की सबसे कठिन IIT इंडिया के अंदर है, ऐसा सारे लोग कहते हैं और माना जाता है, विश्व के USA के लोग भी मानते हैं कि सबसे कठिन IIT की परीक्षा इंडिया के अंदर होती है, और ऐसा आज बढ़िया हमको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी और उल्लास का वातावरण है हमारे परिवार में। गटवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।